वेलकम टू द ब्लॉग। आपका भाई स्वागत करता है एक नए दिन एक नए ब्लॉग के साथ। अभी शाम के 5 बज रहे हैं और हम लोग अभी गोला रोड के साथ पास हैं, जैसा कि आप देख रहे हो। और अभी आज हम लोग सोचे कि इवनिंग में थोड़ा कहीं बाहर निकला जाए। और मेरे साथ अभी आशीष है, तो हेलो गाइस। और अभी हम लोगों का प्लान बना है कि हम लोग थोड़ा सा आज मोटर राइड किया जाए। और मोटर राइड करते करते गांधी मैदान की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे आशीष ने प्लानिंग करा कि हम लोग चलते हैं मैकडॉनल्ड्स बोला, तो मैकडॉनल्ड्स चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ है और आपको भी दिखाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। तो मास्क लगा लीजिएगा, क्योंकि अभी कोरोना का टाइम है और बाहर निकलने से पहले मास्क लगा लेना है। तो हम लोग चल चुके हैं और हमारा राइड स्टार्ट हो चुका है गांधी मैदान की तरफ। तो देखते हैं। जाम से बचने के लिए हम लोग यहाँ से फ्लाईओवर का यूज़ करेंगे, क्योंकि फ्लाईओवर से आप जाओगे तो फ्लाईओवर नीचे के कंपेयर रीज़न आप ऊपर काफ़ी इजीली जा सकते हो और ऊपर जाम नहीं मिलता, क्योंकि अभी शाम का टाइम समय है। और जब शाम के समय में आप गोला रोड की तरफ से अगर आप डाक बंगला चौराहे की तरफ बढ़ोगे तो आपको नीचे में बहुत सारा रश मिलने वाला है। तो हम लोग ऊपर की तरफ से जा रहे हैं ताकि आप वो रश से बच सकें। तो आशीष कैसा लग रहा है? आप देख रहे हैं ये जो दीवार पे पेंटिंग किया गया है, और ये पेंटिंग करने के पीछे एक कहीं ना कहीं ये लोगों गवर्नमेंट की सोच है कि हम लोग जो गंदगी फैलाते हैं दीवार के साइड में उसको रोका जा सके। और ये काफ़ी सराहनीय सोच है और हमें भी इसमें सहायता देनी चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं ये पटना जू है और पटना जू के पास काफ़ी भीड़ वगैरह भी लगी हुई है। तो लेकिन छोरी ये पटना जू तो हम अगले वीडियो में ज़रूर लेंगे, आने वाले वीडियो में। फिलहाल अभी हम बढ़ रहे हैं गांधी मैदान की तरफ। इनकम टैक्स गोलंबर से सीधे डाक बंगला चौराहा पे जा सकते हो, लेकिन डाक बंगला चौराहा पे आप जाओगे तो ट्रैफिक लाइट के कारण आप फंस सकते हो, इसलिए हमने लेफ्ट लिया है। और हम अंदर ही अंदर अभी हम पहुंच गए हैं पटना म्यूजियम के पास। इससे पहले आपने बिहार म्यूजियम देखा था, और जैसा कि आप मेरे लेफ्ट साइड में देख रहे हैं कि ये पटना म्यूजियम है। काफ़ी खूबसूरत आर्किटेक्चर के द्वारा बनाया गया है ये। और अभी हम अंदर ही अंदर, जैसा कि आप देख रहे हैं, और अंदर ही अंदर अब हम यहाँ से निकल जाएंगे डायरेक्ट डाक बंगला चौराहा को क्रॉस करते हुए गांधी मैदान के पास। पहले पटना म्यूजियम वाला रास्ता सेलेक्ट करा इनकम टैक्स गोलंबर से लेफ्ट साइड लेते हुए, और यहाँ पे हम सीधे निकल रहे हैं बिस्कोमान के बगल से, क्योंकि ये आपको काफ़ी टाइम सेव कर रहा है आपका। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट अगर डाक बंगला चौराहा से आओगे तो आप जाम में फंस सकते हो, जैसा कि मेरे बगल में आप देख रहे हैं कि ये बिस्कोमान बिल्डिंग है। और बिस्कोमान बिल्डिंग के बाद जस्ट बगल वाले रूट से ये हम निकल चुके हैं गांधी मैदान के पास। देख रहे हैं कि हम गांधी मैदान के पास आ चुके हैं। और बात करें मैकडॉनल्ड्स की, तो आपको गांधी मैदान के पास सीधे कारगिल चौक के पास आना होगा। और कारगिल चौक के पास आने के बाद आप जस्ट उसके अपोजिट में आपको मैकडॉनल्ड्स मिलेगा। और सामने में हम पहुंचने वाले हैं कारगिल चौक पे, और इसके जस्ट सामने आप देख रहे होंगे मैकडॉनल्ड्स।
जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम पहुंच चुके हैं कारगिल चौक के पास, अमर जवान का वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। और हम आप देख रहे हैं जैसे इसके अपोजिट में एम का बड़ा सा साइन देख रहे होंगे आप, और हम पहुंच गए हैं मैकडॉनल्ड्स के पास। तो चलिए चलते हैं, फिर करते हैं आपसे बात। तो फाइनली हम अंदर आ चुके हैं और हमने यहाँ पे एक ऑर्डर सेलेक्ट करा है और उसके बाद काउंटर पे है, जैसा कि आप देख रहे हो पीछे में काउंटर है, तो लाइन में लगे हुए हैं। यहाँ ऑर्डर लेते हैं, उसके बाद करते हैं फिर आपसे बातें। अंदर आने के बाद मुझे सबसे अच्छी बात पता है क्या लगी, जैसा कि आपको पता है कोविड को लेके डिस्टेंस में रहना है, और यहाँ पे इन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला है। यहाँ पे एक स्कैनर है, QR स्कैनर है, आप आओ अपने फ़ोन से गूगल लेंस के थ्रू आप आके यहाँ पे स्कैन कर सकते हो, और स्कैन करने के बाद आपको मेन्यू आ जाएगा, फिर आप अपना खुद ऑर्डर ऑनलाइन कर सकते हो और अपने कहीं पे भी जब जहाँ पे यहाँ पे बैठते हो वहाँ पे सीट पे मंगवा सकते हो। तो ये जो चीज़ मुझे यहाँ लगी ये काफ़ी बेटर लगी है पूरे सिस्टम में, जैसा कि आप देख रहे हो कि इसके कारण जो है पीछे गैदरिंग भी नहीं हो सकता है और ज़्यादा रश भी नहीं आता है। तो ये चीज़ जो है ये सब बेटर है। फिर तो फाइनली हमने अपना ऑर्डर दे दिया है, ऑर्डर नंबर है हमारा 293, और इन्होंने 5 मिनट्स का टाइम मांगा है। तो 5 मिनट्स के टाइम आने के बाद हम लोग अपना ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे, तब तक आइए आपको थोड़ा इंटीरियर दिखाया जाए। इधर है यहाँ पे आ गया, जैसा कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो आशीष के मुंह में पानी आ गया ऑर्डर आते के साथ। हम लोगों ने ऑर्डर किया था MC चिकन बर्गर। अगर बर्गर में कंपेयर करें तो KFC बर्गर इज़ मोर बेटर देन मैकडोनल्ड्स, क्योंकि इसके बर्गर में आपको कहीं ना कहीं मोस्टली सिंपल टेस्ट मिलने वाला है, लेकिन अगर आप KFC का बर्गर ट्राई करते हो तो वो आपको ज़्यादा टेस्ट देगा, और उसका एक अपना स्पेसिफिक टेस्ट होता है, ये कुछ खास नहीं। या अगर मैं इसको रेटिंग की बात करूँ तो 10 में मैं इसको मोस्टली क्या देना चाहूँगा, 10 में 5 देना चाहूँगा। 5 वो भी इसलिए क्योंकि अगर इसकी क्वालिटी की बात करो तो क्वालिटी सही है, और अगर इसकी जिस तरीके से आप कहते हो कि इन हाइजेनिक भी है, इसलिए हाइजेनिक और क्वालिटी की बेसिस पे मैं इसको 5 देना चाहूँगा। लेकिन अगर टेस्ट के मैटर में बात करूँ तो मैं KFC के बर्गर को ज़्यादा पॉइंट देना चाहूँगा अकॉर्डिंग टू मैकडोनल्ड्स, क्योंकि इसका टेस्ट आप समझ लो कि आप मार्केट से एक ब्रेड लेके खा रहे हो वैसा टेस्ट आ रहा है, और अगर वही चीज़ मैं KFC की बात करूँ तो वहाँ मच बेटर टेस्ट आपको आने वाला है। तो करते हैं इसको ख़त्म, फिर बात करते हैं आपसे। मैकडोनल्ड्स में आप जैसे ही आते हो यहाँ जो सबसे पहले आपसे मुलाकात होगी वो आपको मिलने वाला है ये शख्स, और इसका नाम है मैक, और साथ में देख रहे हो कि जैसे कि आशीष यहाँ पे बैठा हुआ है। आशीष थोड़ा जैसे भाई, अरे यार यहाँ पे मालिक बैठा हुआ है, मालिक कटेगा नहीं। तो फाइनली हमने यहाँ का बर्गर टेस्ट कर लिया है, और जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि अगर यहाँ की टेस्टिंग की बात करोगे आप तो KFC इज़ मोर बेटर दैन मैकडोनल्ड। अब समय हो गया है, जैसा कि आप देख रहे हो कि पीछे लाइट वगैरह आ चुकी है और शाम होने वाले हैं, तो लौटते हैं घर की ओर, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करना ज़रूर बताइए, क्योंकि कमेंट करके आप बताइए कि वीडियो में कौन सा पार्ट आपको मच बेटर लगा। चलते हैं अब हम, आज का सफ़र यहीं पर अंत करते हैं, मिलता है आपका भाई अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।